वेल हेलो फ्रेंड्स, जर्सी जिसका टेलर आया, वैसे इसमें लीड कास्ट में शाहिद कपूर, उसके बाद मृणाल ठाकुर, ऐसे बड़े बड़े एक्ट्रेसेस और एक्टर भी हैं इस मूवी के अंदर। ओवरऑल टेलर की बात करें तो टेलर काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 1.5 मिनट का टेलर है। टेलर में कुछ ज़्यादा चीज़ें दिखाई भी नहीं गई हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी ही पता है। इसका ऑलरेडी भी टेलर आ चुका था जब इसका डेट पहले रिलीज होने का था दिसंबर में, वैसे अब इसका डेट टल चुका है तो अब 14 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। वैसे इसी डेट को दो और मूवीज़ रिलीज हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिग बजट मूवीज़, केजीएफ चैप्टर 2 और बस्ट, ये दो मूवीज़ इसी डेट को भी रिलीज हो रही हैं। और बात करें टेलर की तो वैसे तो टेलर में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं हमें, बट स्टोरी एज्यूम कर सकते हैं जो कि हमें साउथ इंडस्ट्री की मूवी है उसका रीमेक है, तो स्टोरी तो सेम ही है, पूरा सेम टू सेम कॉपी किया गया है क्योंकि हमें देखने के लिए मिला। हमने बच्चन पांडे देखा तो देखा सेम टू सेम कॉपी था, उसी प्रकार से ये भी ट्रेलर देखने से ऐसा लग रहा है पूरा डिक्टो कॉपी कर लिया गया है इस मूवी को। वैसे स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में एक ऐसे व्यक्ति है जो कि स्टार्टिंग से ट्राई करता है इंटरनेशनल मैच खेलने का, बट उसका सलेक्शन नहीं होता है और उसकी एज बढ़ते चली जाती है, फिर वो लास्ट में ट्राई करता है और वो खेल लेता है। उसके बाद यही सारी चीज़ें हमें दिखाई गई, उसके बीच में स्ट्रगल कितने होते हैं ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और बात करें एक साइड में लव स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगा जो कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, थोड़े से इमोशनल सीन्स को घुसाया गया है जो ताकि ऑडियंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ओवरऑल टेलर ठीक ठाक है, वैसे बहुत गलत फैसला किया गया क्योंकि इसी डेट को दो बड़ी मूवी रिलीज हो रही है 14 अप्रैल को। वैसे इसके देखते हैं ये मूवी कुछ पैसा कमा पाएगी कि नहीं, क्योंकि इसके बजट जितना भी पैसा मुझे नहीं लगता कमा पाएगी, क्योंकि उस डेट को और भी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं। जहाँ जर्सी एक टेलर आया इसके करीबन 6 घंटे हो गए, अभी 1.5 मिलियन ऑलमोस्ट व्यू गया है, वहीं पर बस्ट का टेलर आया उसने अभी तक ट्रेंडिंग है यूट्यूब पर कम से कम 35-36 मिलियन को क्रॉस कर चुका है, और वहाँ अपना केजीएफ चैप्टर 2 का टेलर ने भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाए हैं, उसके भी व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे अब देखते हैं इसका क्या होता है, कुछ पैसे कमा पाएगी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप ये मूवी देखेंगे रीमेक 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 जैसी मूवी कौन देखने जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।